नगर परिषद कांटी पुराना चौक मंदिर परिसर में दुर्गा पूजा के अवसर पर रात्रि में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डीपीएस पब्लिक स्कूल के बच्चों ने गीतों से भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि थाना अध्यक्ष सुधाकर पांडे, विशिष्ट अतिथि ललन सिंह, उप सभापति अजय गुप्ता व दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर भाजपा नेता भोला शाह ने कहा कि दुर्गा पूजा हमारी संस्कृति और धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह कार्यक्रम हमारे संस्कृति को बढ़ावा देने और समाज में एकता को बढ़ावा देता है। अजय गुप्ता ने कहा कि धर्म के बीच राजनीति को नहीं लाना चाहिए। इस नगर परिषद कांटी की खासियत यह है कि कोई भी पर्व त्योहार हो, सभी समुदाय के लोगों ने मिलजुल कर मनाते आए हैं और गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखा है। आपको बता दें कि बच्चों ने अपना अपना प्रतिभा दिखाया। हालांकि सबसे ज्यादा तालियां झिझिया संगीत पर भक्त झूम उठे, जो काफी चर्चा का विषय बना रहा। वही कार्यक्रम खत्म होने के बाद सभी बच्चों को पूजा समिति के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। इस मौके पर संजय गुप्ता, वरुण कुमार, बिट्टू कुमार, संदीप सोनी, संजय कुमार, अमन कुमार सहित पूजा समिति के सदस्य उपस्थित रहे। दुर्गा पूजा समिति की ओर से जितने कार्यक्रम हुआ है, उसका जो डीपीएस स्कूल के तरफ से हुआ है, उसको सील दिया गया है और गोल्ड पहनाया गया है। बच्चों में काफ़ी उत्साह भी था। बच्चों में काफ़ी उत्साह है और हमारे यहाँ कांटी दुर्गा पूजा समिति में हर एक साल की भांति इस साल भी भंडारा का कार्यक्रम रखा गया है। बहुत उत्साह से डीपीएस स्कूल के अजय कुमार गुप्ता और विश्वनाथ चा जो हर एक साल कार्यक्रम में पूजा में तन मन धन से लगे हुए रहते हैं, मैं इनका विश्वनाथ चा का शुक्रगुजार हूँ। इस दुर्गा पूजा समिति में कार्यक्रम बढ़ते रहे। देखिए, यह तो हमारे संस्कृति है, उस संस्कृति के आधार पर यहाँ कार्यक्रम हुआ। कोई भी ऐसा कार्यक्रम बहुत संस्था में देखते होइएगा, लोग जो है बहुत तरह तरह के कार्यक्रम कराते हैं, लेकिन हम लोग जो है कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं कराते हैं जो कि समाज पर कोई बुरा असर पड़े। जो भी हम लोग कार्यक्रम कराते हैं और उससे समाज को कोई सीख मिले, इससे जागृति बढ़े लोगों में और मान सम्मान बढ़े, इसलिए हम लोग इस तरह का कार्यक्रम कराते हैं। बच्चों में काफ़ी उत्साह भी दिख रहा है। बच्चों में काफ़ी उत्साह है और खास करके हम लोगों का जो है जो मिथिला का जो लोक नृत्य है जिसको झिझिया बोलते हैं, वो सबसे बेस्ट होता है हम लोगों के लिए दुर्गा पूजा में। जो बच्चों लोगों ने किया है बहुत सराहनीय है, इसलिए मैं उन टीम को धन्यवाद देता हूँ। अब मतलब उन लोगों को भी सम्मानित भी किया गया है? सब लोगों को सम्मानित किए हैं और जितने भी परफॉर्मेंस किए हैं, डीपीएस हो चाहे अदर भी किए हैं, उन सबको जो है हम लोगों ने सम्मानित करने का काम किया है। क्योंकि दिल्ली पब्लिक स्कूल परिवार के बच्चे प्रत्येक साल की भांति इस साल भी पढ़ाई के साथ साथ संस्कार और संस्कृति से जुड़ा हुआ होना एक अपने आप में बहुत मायने होता है और डीपीएस संस्कृति से जुड़ कर रहने का बराबर प्रयास किया है। इसी क्रम में अपने बच्चों को संस्कार देते हुए आज जो भी परफॉर्मेंस हुआ है हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ था, भारत की संस्कृति से जुड़ा हुआ था
और उसी क्रम में झिझिया हुआ या फिर डांडिया हुआ या शिव नृत्य हुआ, जो भी है, बच्चों ने एक अच्छा परफॉर्मेंस एक उत्साह के साथ बड़े कम समय की तैयारी में और एक अच्छा परफॉर्मेंस किया है। हम बच्चों को एक क्या बोलते हैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो उत्साह दिखने को मिला और उसके साथ जो आम पब्लिक का जो सहयोग और सपोर्ट मिला, इसके लिए हम आम जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बच्चों में काफ़ी उत्साह भी था, बच्चों में काफ़ी उत्साह था और बच्चों के साथ साथ हम जनता जो यहाँ दर्शक और क्या माता के जो श्रद्धालु उपस्थित थे, बच्चों के उत्साह को देखते हुए उनके अंदर एक अजीब सा उत्साह देखने को मिला, तालियों की गड़गड़ाहट हो या फिर उनका जो सहयोग मिला इस कार्यक्रम के दौरान, वो तारीफ की काबिल है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अजीता जी, मंदिर प्रांगण में जो पूजा के अवसर पर आज जो भंडारा का कार्यक्रम था वो छोटू जी नेता चौक के उनकी तरफ से था और चाय का स्टॉल लगा था वो ललन ढाबा की तरफ से था और वो सब लोगों से मिलकर बहुत अच्छा से इसका मतलब आयोजन हम लोग का भी यही तरह इसका आनंद काफ़ी उत्साह दिख रहा था, काफ़ी उत्साह दिख रहा है लोगों ने मेला में आए हुए जितने भी लोग, काफ़ी हम लोग इस व्यवस्था को देखकर काफ़ी लोग इसका आनंद उठाएँ और इसका सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।